सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज के लेक्चर टू पार्ट सिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स कि सी प्रोग्राम्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को सेवन डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है और इन सेवन डिफरेंट कैटेगरीज में से ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में यूनरी ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बिट वाइज और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसी प्रोग्राम्स में इन सभी ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में लॉजिकल uh, ऑपरेटर्स को बेसिकली दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है पहले ग्रुप में लॉजिकल नॉट और दूसरे ग्रुप में लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है यानी कि उसको उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी प्रजिडेंसी ग्रुप टू के ऑपरेटर्स की प्रेजेंसी से हायर है जबकि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कम से कम दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं अब एग्ज़ाम्पल की मदद से इनको समझ लेते हैं कि इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं पहला है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पहला एक्सप्रेशन लिखा है लॉजिकल नॉट थ्री लेस देन फोर क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो सबसे पहले लॉजिकल नॉट थ्री जो एक्सप्रेशन लिखा है ये हमारा हायर प्रेजेंसी होने की वजह से एग्जीक्यूट होगा और नॉन ज़ीरो वैल्यू जो थ्री है इसको ये ज़ीरो कर देगा तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ज़ीरो इज लेस देन फोर जो कि ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा यानी कि वन रिटर्न करेगा दूसरा एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है कि लॉजिकल नॉट फाइव लेस देन फोर तो यहाँ भी पहले लॉजिकल नॉट फाइव एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा जो नॉन ज़ीरो वैल्यू फाइव है हमारी उसको ये ज़ीरो कर देगा तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा जीरो इज लेस देन फोर जो कि ट्रू होगा वो भी हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जबकि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमें दो ऑपरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा है थ्री इज़ लेस देन फोर एंड ऑपरेटर और फोर इज़ लेस देन फाइव एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन लिखे हैं अगर ये दोनों ही ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न करेगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे कि पहले एक्सप्रेशन में लिखा 3 4, है थ्री इज लेस देन फोर यानी कि ट्रू है एंड फोर इज लेस देन फाइव यानी कि ये भी ट्रू है तो हमारा ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा ट्रू यानी कि वन सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है थ्री इज लेस देन फोर एंड ऑपरेटर और फोर इज ग्रेटर देन फाइव यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है फोर इज ग्रेटर देन फाइव ये हमारा फॉल्स है यानी कि ज़ीरो रिटर्न करेगा और थ्री इज लेस देन फोर जो है ये वन रिटर्न करेगा जो कि ट्रू है और पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है हमारा ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू ज़ीरो को जबकि और ऑपरेटर में से ऑपरेटर्स दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी जैसे कि थ्री इज लेस देन फोर और ऑपरेटर फोर इज लेस देन फाइव रिटर्न ट्रू क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे ट्रू हैं और दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है थ्री इज लेस देन फोर यह हमारा ट्रू है और फोर इज ग्रेटर देन फाइव यह हमारा फॉल्स है लेकिन पहला वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये भी वैल्यू हमारी ट्रू रिटर्न करेगा अब इन सभी को हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर आर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए पहला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं आर इक्वल्स टू थ्री सॉरी नॉट लॉजिकल नॉट थ्री लेस देन फोर और इस आर की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट एफ और यहां पर लिख लेते हैं आर इज इक्व टू परसेंट डी और हमारी वैल्यू स्टोर्ड है जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो आर में उसको प्रिंट कराना है प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पर इसने किया वन वन क्यों किया सबसे पहले इसने किया लॉजिकल नॉट थ्री यानी कि उसको ज़ीरो किया और ज़ीरो इज लेस देन फोर यानी कि ट्रू एक्सप्रेशन है और ये वन रिटर्न करेगा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम अगर अपने उसमें करें इसको हम कर देते हैं फाइव और इसको रन करके देखते हैं फाइव इज़ लेस देन फोर यानी कि फॉल्स एक्सप्रेशन है ये हमारा ज़ीरो रिटर्न कर रहा है सही कर रहा है ज़ीरो रिटर्न अब हम इसमें नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लॉजिकल नॉट फाइव लेस देन फोर लिखते हैं तब लॉजिकल नॉट लगाने की वजह से इसने जो नॉन ज़ीरो वैल्यू फाइव है उसको इसने ज़ीरो कर देना है और हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ज़ीरो इज़ लेस देन फोर अब ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करने लगे हो यानी कि वन तो ये हमारा जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है ये एक सिंगल ऑपरेंट पे यहाँ पर काम कर रहा है और यूनरी ऑपरेटर होने की वजह से आ, इसकी प्रेजिडेंसी जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर जो लेस देन हम यूज़ कर रहे हैं उससे हायर है नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक एक्सप्रेशन है हमारा ये दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं फोर इज़ लेस देन सिक्स तो इसको रन करके देखते हैं इसको रन किया इसने फॉल्स रिटर्न किया यानी कि फाइव इज़ लेस देन फोर ये फॉल्स है और फोर इज़ लेस देन सिक्स ये हमारा ट्रू है दोनों में दोनों ही वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे ट्रू रिटर्न करने चाहिए तभी ये एक्सप्रेशन आर की वैल्यू हमारी वन आएगी अगर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं थ्री तो हमारा यहाँ पर वन आएगा यानी कि थ्री इज़ लेस देन फोर एंड फोर इज़ लेस देन सिक्स यानी कि एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा यानी कि वन अगर हम कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पर थ्री इज़ लेस देन टू यानी कि ये फॉल्स एक्सप्रेशन है ज़ीरो रिटर्न करेगा और फोर इज़ लेस देन सिक्स जो है वो ट्रू है वो वन रिटर्न करेगा और कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर हम टेस्ट करें तो वो हमारा ज़ीरो रिटर्न करेगा क्योंकि फॉल्स है आ, दूसरा हम चेक करते हैं और ऑपरेटर इसी को लिखा रहने देखें थ्री इज़ लेस देन और टू और यहाँ पर ऑपरेटर हम चेंज कर लेते हैं हमारा ऑपरेटर है और ऑपरेटर अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी अगर एक, एक, एक एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाता है तो हमारी वैल्यू आ, ट्रू रिटर्न होगी यानी कि वन रिटर्न होगी यानी कि थ्री इज़ लेस देन टू ये फॉल्स एक्सप्रेशन है जबकि फोर इज़ लेस देन सिक्स ये ट्रू है हमारी ट्रू वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए वन यस ट्रू रिटर्न हुई ऐसे अगर हम इसमें फर्दर और मॉडिफिकेशन करें हम दोनों को फॉल्स करते हैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं एट अब प्रोग्राम को रन करते हैं ये ज़ीरो अब दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे फॉल्स रिटर्न हो रहे हैं यानी कि थ्री इज़ लेस देन टू ज़ीरो रिटर्न करेगा एट इज़ लेस देन सिक्स ये भी ज़ीरो रिटर्न करेगा और हमारी वैल्यू ज़ीरो आएगी तो ये हमने इस लेक्चर में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में जो कि एक यूनिरी ऑपरेटर है उसके बारे में जाना कि यूनिरी ऑपरेटर कैसे काम करता है सी प्रोग्राम्स में लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया और लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में हमने जाना कि सी प्रोग्राम्स में आ, किस कंडीशन में वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और किन कंडीशंस में वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा अगर आपको इसमें कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स लॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग